Assalamualaikum, welcome back to my channel. Here is Mani. So today I am gonna practice business mathematics for 11 commerce chapter 4, which is function and their graphs. So let's start. So question number 4.10 is find the distance between the point 5,2 and -3,8. ठीक है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, हमें पॉइंट्स गिवन है. सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, फॉर्मूला हम डिस्टेंस का पुट करेंगे. D इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. गिवन हमारे पास x1 हम 5 लेंगे, y1 हमारे पास 2 आ जाएगा. ठीक है, x2 हम -3 लेंगे, y2 8 लेंगे. ठीक है, पुटिंग वैल्यू करेंगे फॉर्मूले में. D इज इक्वल टू अंडर रूट x2 हमारे पास है -3, माइनस करेंगे x1 से जो कि है 5 होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस y2 हमारे पास 8 है, माइनस करेंगे y1 से जो कि 2 है, 8 माइनस 2 होल स्क्वायर. D इज इक्वल टू अंडर रूट, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन एक्सपोनेंट पावर को हम फाइंड करेंगे. -3 -5 एड अप होंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा. सो D इज इक्वल टू अंडर रूट -8 स्क्वायर प्लस 8 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 स्क्वायर. D इज इक्वल टू साइन माइनस का है लेकिन पावर स्क्वायर है तो इसलिए पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा. D इज इक्वल टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36. D इज इक्वल टू 64 में प्लस 36 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 स्क्वायर, अंडर रूट 100. ठीक है, जब कैलकुलेटर से अंडर रूट 100 निकाला तो हमारे पास आ जाएगा D इज इक्वल टू 10 आंसर. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.